हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इस डी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें कुछ पोस्ट 10th पास वालों के लिए रखी गई है, कुछ पोस्ट 12th पास वालों के लिए, साथ ही दोस्तों कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन और ITI वालों के लिए भी रखी गई। यानी कि आप 10th या 12th या ग्रेजुएशन और ITI, इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें टोटल पदों की बात करें तो 2236 पोस्ट रखी गई है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर रखी गई है और इसका जो फॉर्म है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही दोस्तों, इसमें बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन, इसमें क्वालिफिकेशन वाइज पोस्ट कितनी है, और इसमें दोस्तों आपको स्टीपेंड यानी सैलरी वगैरह क्या दी जाएगी, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही ग्राउंड जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि दोस्तों इसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप प्रॉपर एक एक चीज की जानकारी खुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन हो गए, एडमिट कार्ड्स हो गए, बाकी जानकारी जो भी रहती है तो हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों, इसमें आगे दिए गए एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत, जो कि रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए। फिर इसमें दोस्तों आगे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC, विच इज इंडियाज फ्लैगशिप एनर्जी मेजर एंड महारत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यानी दोस्तों, यहाँ जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, महारत्न कंपनी है जो ऑयल और गैस निकालने का काम करती है दोस्तों, इस बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, तो ये इसके बारे में वही बताया गया है। फिर यहाँ आगे है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स मीटिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत, यहाँ जो है क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ वैकेंसी निकाली गई दोस्तों अप्रेंटिसेस के लिए। फिर दोस्तों, इसमें नीचे दिया गया ट्रेड डिसिप्लिन मेंशन बिलो, यानी कि यहाँ नीचे दिया गया किस वैकेंसी के लिए, किस ट्रेड से या किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, यहाँ सारा चीज़ यहाँ नीचे दिया गया है। यहाँ कई सेक्टर में निकाली गई है, तो सबसे पहले नॉर्दर्न सेक्टर है, इसमें दोस्तों ट्रेड वाइज है, फिर नंबर ऑफ सीट्स है और यहाँ वर्क सेंटर है। तो सबसे पहले नॉर्दर्न सेक्टर में देहरादून, जो कि पोस्ट नंबर 1 की बात करें तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, यहाँ टोटल पदों की संख्या 10 है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, 10 पोस्ट यहाँ भी है। फिर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, 20 पोस्ट इसके लिए रखी गई है। फिर दोस्तों, लेबोरेटरी असिस्टेंट कमर्शियल प्लांट है, इसके लिए टोटल पदों की संख्या 10 रखी गई है। फिर दोस्तों, मैकेनिक डीजल, इसके लिए टोटल पदों की संख्या 10 रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट रखी गई है। सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट वालों के लिए 5 पोस्ट, वहीं सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा वालों के लिए 10 पोस्ट रखी गई है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट रखी गई है, फिटर वालों के लिए 10 पोस्ट रखी गई है और पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए 5 पोस्ट रखी गई है। और दोस्तों, इसमें फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल गैस के लिए 5 पोस्ट यहाँ भी रखी गई है और फिटर वालों के लिए 10 पोस्ट रखी गई है। टोटल पदों की बात करें तो 115 पोस्ट यहाँ रखी गई है देहरादून में दोस्तों। फिर यहाँ वो भी दिल्ली में, जो कि नॉर्दर्न सेक्टर में, इस प्रकार से दिल्ली हो गई, फिर दोस्तों दिल्ली के बाद जोधपुर, फिर दोस्तों मुंबई सेक्टर में यहाँ दिया गया। तो इस प्रकार से सारी वैकेंसी, एक एक चीज वैकेंसी और साथ ही उसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, यहाँ नीचे दिया गया दोस्तों। उसके बाद हम इसमें आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या दी जाएगी, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, तो ये काफ़ी लंबा है और नोटिफिकेशन भी दोस्तों 14 पेज का है, तो अगर एक एक चीज हम बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। हम इसके बाद इसमें आगे आ जाते हैं पर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क सेंटर, यानी कि दोस्तों इसमें जो ट्रेड्स हैं और जो वैकेंसी है तो उनका जो है बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अप्लाई करेंगे तो केवल और केवल एक ही वर्क सेंटर से आपको, यानी कि दोस्तों इसमें आपको केवल और केवल एक ही वर्क सेंटर से अप्लाई करना है, जो क्वालिफिकेशन जिस डिस्ट्रिक्ट से मांगा गया है तो वहाँ से आपको वहीं से अप्लाई करना है। फिर दोस्तों, इसके बाद इसमें आगे रिजर्वेशन टू वेरियस कैटेगरीज, यानी रिजर्वेशन के बीच में दिया जाएगा ST SC OBC PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो गवर्नमेंट के थ्रू रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो इसमें मिनिमम एज है 18 वर्ष रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है 24 साल रखी गई है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए दोस्तों। और इसका जो एज क्राइटेरिया कंप्लीट होने का जो डेट है वो 25/10 से ये काउंट करेंगे। फिर दोस्तों, इसमें आगे है जो 25/10/2000 से 25/10/2006 के बीच के होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें दोस्तों जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। फिर यहाँ कंसेशन रिलैक्सेशन की बात की गई है, अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स ST SC, यानी जो ST SC कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं जो OBC कैंडिडेट्स हैं नॉन क्रीमी लेयर, उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें आगे है जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी जनरल कैंडिडेट्स हैं, और जो ST SC कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, OBC कैंडिडेट्स को 13 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। फिर इसमें दोस्तों आगे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन 10th पास हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की, इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया दोस्तों। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग यानी कोपा की जो पोस्ट है उसके लिए ITI इन कोपा ट्रेड से होनी चाहिए आपके पास। अगली जो पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए, इसमें दोस्तों ITI एंड ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की है, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट अगली है, इसमें ITI इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक से होना चाहिए आपके पास। फिर अगली जो पोस्ट है फिटर से है, इसमें ITI फिटर से आपके पास होना चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, इसमें दोस्तों ITI आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होनी चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस से, तो इसमें दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI इन रिलेवेंट ट्रेड से होनी चाहिए। फिर मैकेनिस्ट की, फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है मशीनिस्ट की है, इसमें ITI मशीनिस्ट ट्रेड से आपके पास होना चाहिए। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स की है, इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन रखी गई ITI इन मैकेनिक
मोटर व्हीकल ट्रेड से होनी चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है मैकेनिक डीजल की, इसमें दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन ITI इन डीजल मैकेनिक से होना चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की दोस्तों, तो इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन ITI इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से आपके पास ITI होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें हम अगली जो पोस्ट देख लेते हैं, तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी की रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास ITI मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी से हो। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, तो इसमें दोस्तों ITI आपके पास रेडियोलॉजी से होना चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, तो इसमें ITI आपके पास एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन से होनी चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर की दोस्तों इंग्लिश में, तो इसमें ITI इन यानी कि दोस्तों आपके पास ITI स्टेनोग्राफी इंग्लिश में जो होता है ट्रेड से वो होना चाहिए। फिर सर्वेयर की पोस्ट है ITI सर्वेयर ट्रेड से होनी चाहिए। बेल्डर की पोस्ट है इसमें दोस्तों बेल्डर से ITI होना चाहिए। फिर लेबोरेटरी की पोस्ट है इसमें BSc केमिस्ट्री से आपके पास होना चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है। फिर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन कॉमर्स यानी BCOM वगैरह हो, आपका BCOM हो गया तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है स्टोर कीपर की, इसमें दोस्तों आप ग्रेजुएट पास हो किसी भी उससे तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव HR की, इसमें BA BBA यानी कि BBA आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसमें ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा गया है। फिर फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की BTEC या BSc फायर सेफ्टी से हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट और इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट और सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट और साथ ही इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट और मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन B यानी कि डिग्री इन द प्रिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग BTEC जो है आपके पास होना चाहिए तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ दिया गया है। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है यहाँ कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा और इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा और अगली जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा और इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, तो ये जितनी भी पोस्ट है दोस्तों इनके लिए, इन सब के लिए डिप्लोमा वाली जो पोस्ट है इसमें आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव जो है, इसके लिए ग्रेजुएट विथ जियोलॉजी एज ऑन द सब्जेक्ट यानी दोस्तों आपके पास जियोलॉजी से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर्टिकुलर एक एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन वाइज बताया गया है और ऊपर जो है सारी यही पोस्ट हैं। उसके बाद इसमें आगे हम देख लेते हैं दोस्तों इसका फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारियां दी गई। नोट द ट्रेड्स मेंशनड एंड नंबर ऑफ सीट्स मेंशनड अबव एंड टेंटेटिव विच में चेंज एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ सेंटर यानी दोस्तों इसके बारे में फिर से बताया गया कि इसका जो सीट्स नंबर है ये बढ़ाया घटाया जा सकता है। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि 25/10/2024 तक इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 5/10 से स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म की जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है। और दोस्तों इसका जो दिस पोर्टल विल हैव टू डाइवर्जन लिंक यानी कि इसका जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो इसका जो पोर्टल दिया गया है, तो यहाँ देखिए ये पोर्टल दिया गया है अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट जीओवी। सबसे पहले तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है जो कि दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन है। इस पर दोस्तों ITI वाले जो है जो लोग ITI बेस से हैं अप्लाई कर रहे हैं उन लोग को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अलावा दोस्तों आप ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले हैं उनको जो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है उनको NATS.education.gov.in के माध्यम से करना है, यहाँ दोस्तों नीचे वही बताया गया है। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एडवाइस टू रेगुलरली विजिट वेबसाइट सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन www.ongcapprenticeship.ongc.co.in के यहाँ आपको रेगुलरली चेक करते रहना है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। उसका दोस्तों इसमें जो आगे दिया गया वो हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। और इसमें जिस भी फील्ड से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जिस स्टेट से अप्लाई करना है, जैसे कि आप अगर ITI बेस है तो उसका आपका सर्टिफिकेट पूरे होने चाहिए, BA BCOM वाली वैकेंसी है तो उससे अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस पोस्ट के लिए आपके पास इसके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। BTEC वाली अगर पोस्ट अप्लाई करते हैं तो इसके लिए इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें ड्यूरेशन की बात करते हैं, ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो 12 मंथ यानी 1 साल का रहेगा। स्टीपेंड की बात करते हैं, सैलरी जो इसमें दी जाएगी दोस्तों, तो यहाँ बताया गया है किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रखेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी आप अप्रेंटिसेस, फिर क्वालिफिकेशन और स्टीपेंड जो दिया जाएगा अमाउंट पर मंथ आपको रुपीज़ में दिया जाएगा। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस जितने भी हैं BA हो गए, BCOM, BSc, BBA, BTEC, इन सभी को 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे 3 ईयर्स डिप्लोमा वाले जो हैं स्टूडेंट्स उनको दोस्तों रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो तो 8,050 रुपये इनको बेसिक जो है आपका 8,050 रुपये इनको स्टीपेंड इनको दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए जो है 10th और 12th वालों के लिए 7,000 रुपये और वहीं दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिसेस जो है ITI बेस वालों के लिए इनको 7,700 रुपये, जो ITI ट्रेड 1 ईयर ड्यूरेशन वाले हैं और जो ITI ट्रेड 2 ईयर्स ड्यूरेशन वाले हैं उनको 8,050 रुपये इसमें स्टीपेंड दिया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे द ट्रेनिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी TRE यानी दोस्तों इसमें किसी ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी भी प्रकार का TRE वगैरह बाकी जो ONGC विल नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल एसेंशियल टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन यानी दोस्तों किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सारा चीज़ ये नहीं दिया जाएगा आपको यहाँ, है ना। फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है, तो यहाँ दिया गया है सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिसेस वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन यानी दोस्तों आपके मार्क्स मार्क्स के ऊपर मेरिट बनेगी और उसी आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उस हिसाब से ITI का हो गया, BA BSc है तो BA BSc मार्क्स देखे जाएगा, अगर इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में आपके मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उसके चांस अधिक रहेंगे सिलेक्शन लेने का। उसका दोस्तों इसमें आगे रिजर्वेशन भी इसमें दिया जाएगा जो कि यहाँ बताया गया है। फिर जनरल कंडीशन इसमें कुछ दी गई है, आपको फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, डिटेल्स एलिजिबिलिटी सारा पढ़ के फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है।
फिर दोस्तों द कैंडिडेट्स नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप, यानी कि दोस्तों अगर कोई अभी कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो उन लोग को फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ यहाँ दी गई है दोस्तों। उसके बाद हमने आपको बताई दिया है कि जो लोग आई टी आई बी एस से अप्लाई करेंगे उनको सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन के माध्यम से अप्लाई करना है, और जो लोग ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले हैं वो लोग एन ए टी एस डॉट एजुकेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद तब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो ये देख लीजिए। यहाँ बताया गया द कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी। सबसे पहले तो आपको अपनी एक एक्टिव ईमेल आईडी देनी है, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं से निकल जाएंगे, तो आपको प्रॉपर एक अपनी ईमेल आईडी अगर नहीं है तो बना लेनी है, अगर है तो वही वाली देनी है। फिर उसका दोस्तों एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर। फिर दोस्तों इसमें आगे है द कैंडिडेट शुड हैव स्कैन कॉपी ऑफ कलर फोटो, यानी कि दोस्तों आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको स्कैन करके लगानी है, जिसकी साइज 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए। फिर दोस्तों आगे जो है द कैंडिडेट मस्ट असर्टेन द करेक्टनेस ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट्स फाइनल सबमिशन, यानी कि दोस्तों आपको जब फाइनल सबमिशन करेंगे फॉर्म का तो एक बार अपना सारा चीज़ चेक कर लेना है, कुछ गलत ना हो, कोई भी जानकारी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर दोस्तों बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अगर कुछ भी गलती होती है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस वहीं से रोक भी सकते हैं। दोस्तों इसमें आगे है पेपर बेस्ड एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, पेपर बेस्ड अगर किसी प्रकार का आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि इसकी फॉर्म की जो डेट है 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 25 अक्टूबर तक रखी गई है। आपको जो हमने बता दिया है कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करें। फिर दोस्तों इसमें आगे है इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट हमने आपको बताई दी है, ओपनिंग जो डेट है 5 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर तक रखी गई है, और दोस्तों रिजल्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस की रिजल्ट की जो डेट है वो 15 नवंबर को आ जाएगा, तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसकी वेबसाइट जो इसका वेबसाइट है ये www.ongcapprentices.ongc.co.in के माध्यम से ही आपको देखना है, यहीं बाकी सारी जितनी भी जानकारी है यहीं दिखेंगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो लोग भी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।